सो टॉपिक जो दे रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आप जानते हैं जो रिलेशनशिप होता है कहता है एफ इजिकल टू आर बाई टू, ठीक है, एफ इजिकल टू आर बाई टू इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। नाउ यहाँ पर हम उसको डिराइव करेंगे, काफ़ी सिंपलेस्ट मेथड है, आप देखना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं इस तरीके से। सो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, देन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सो दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ लेट्स डिनोट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। एक इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, जैसे ये वाला यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल बनाया जाता है इस तरह से, ये नॉर्मल ड्रॉ, तो वो नॉर्मल जो है वो कहाँ से होके जाएगा, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग अ इंसिडेंट लाइट रे, एक इंसिडेंट लाइट रे ली हमने। सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। तो इंसिडेंट एंगल में ले लेता हूँ कि थीटा है, थीटा इज अ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया अपना। अब लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना लेते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये हमने बनाई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जितना एंगल इंसिडेंट एंगल है उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जितना आपका इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और एक और बात, हमने अभी फोकस की डेफिनेशन पढ़ी है, फोकस होता क्या है, फोकस देखो आप यहाँ पर, इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जहां पर कट कर रहा है वहां पे फोकस बनेगा, तो ये फोकस बन गया आपका, तो इसको हमने फोकस कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ये फोकस हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो है ये तो फोकस हो गया, डिनोट कर देना। दिस एंगल इज थीटा। Now, if I mark this this as P, P से नहीं करेंगे, P से तो पोल को डिनोट करना है, तो P से तो यहाँ पर अपन पोल को डिनोट करते हैं, ये P आपका पोल हो गया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है A से, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पॉइंट पे और इसको कर दो P डैश, ठीक है। नाउ लेट सी दैट दिस एंगल इज थीटा, देन हाउ मच दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, इफ दिस एंगल दिस लाइन, ये भी थीटा ही होगा, व्हाई, बिकॉज दिस सीपी, अगर मैं इसको अपन कुछ भी मार्क कर देते, हाँ सी कर ही रखा है आपने, ये जो इंसिडेंट लाइट रे है, दिस इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू दिस लाइन सीपी, ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये सीपी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, सो देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, देन बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये एंगल कितना होगा, ये वाला दिस एंगल विल बी हाउ मच, बोलो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, सर, टू थीटा 2 थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 2 थीटा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है ये कंप्लीट, ये देखो ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दिस एफ पी, ठीक है। तो ये एंगल आप देखो, जितना एंगल इधर बन रहा है 2 थीटा, दिस थीटा एंड थीटा 2 थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखना कि इन ट्राइंगल, थोड़ी सी टिक्नोमेट्री है सिंपल सी, इन ट्राइंगल ए सी पी डैश, मैं ले रहा हूँ ए सी पी डैश, सो इन ट्राइंगल ए सी पी डैश अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है आपका वो तो हो गया ए पी डैश, ए पी डैश तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया, सी पी डैश, सी पी डैश आपका बेस हो गया, इसको मैंने एक इक्वेशन कर दिया, है ना। अब देखो कि भाई इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, आप ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ए एफ पी डैश, ए एफ पी डैश, तो ए एफ पी डैश में हम निकालेंगे टेन टू थीटा,
तो टेन टू थीटा जो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया आपका ए पी डैश और बेस कितना हो गया एफ पी डैश। ठीक है, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक आया समझ में आपको? ठीक है, अब देखो इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन इक्वेशन टू से देखो, इक्वेशन वन से ए पी डैश कितना आ रहा है, ए पी डैश आ रहा है सी पी डैश टेन थीटा, और इक्वेशन टू से ए पी डैश कितना आ रहा है, ये आ रहा है एफ पी डैश टेन टू थीटा। ठीक है, तो इनको इक्वलाइज कर देते हैं अपन। इक्वलाइज करोगे तो सी पी डैश टेन थीटा इज इक्वल टू एफ पी डैश टेन टू थीटा, यहाँ तक आप आ जाओगे। इसको अपन कर देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब जब आप इक्वेशन नंबर थ्री तक आ जाओगे तब आपको थोड़ी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोटिस करने हैं। पॉइंट्स ये है कि जो मिरर आप यूज कर रहे हो उस मिरर का द एपरेचर, द एपरेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल ऑल्सो, ऑल्सो डिस्टेंस, डिस्टेंस सी पी डैश एंड एफ पी डैश इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू पी पी डैश। ठीक है, एक तो इसका एपरेचर बहुत स्मॉल है, ठीक है, एपरेचर इज वेरी स्मॉल, और दूसरा जो है ये जो डिस्टेंसेस है सी पी डैश और एफ पी डैश ये बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पी पी डैश। तो इन दो, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से आप लिख सकते हो कि भाई सी पी डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सी पी। ठीक है, सी पी डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी पी, पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट इज एफ पी डैश, एफ पी डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। ठीक है, एक बात तो ये आ गई समझ में। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, बिकॉज एपरेचर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सो वी कैन राइट एज दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन यू कैन राइट टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड टेन टू थीटा इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब ये जो कंडीशंस आपने निकाली है, देन वी हैव टू पुट दीज कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, थर्ड वाली जो इक्वेशन है। तो थर्ड वाली इक्वेशन में सी पी डैश को तो आप सी पी लिख दो, ये सी पी लिख दिया, टेन थीटा को थीटा लिख देना आप, ठीक है, एफ पी डैश को आप एफ पी लिख देना और टेन टू थीटा को आप लिख देना टू थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, सी पी क्या है इसके अंदर, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या है, सी से लेके पी तक क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो आर आ जाएगा आपका, और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, तो ये आपके एफ आ जाएगी इंटू टू आ जाएगा, और इसी को आप आगे थोड़ा सा प्रोसीड करोगे तो एफ फिजिकल टू क्या जाएगा आर बाई टू। तो अभी कोई साइन यूज नहीं करा है मैंने, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी साइन कन्वेंशन, कोई साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करा है, बट जब आप इसको, जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस के लिए, तो आपको ये प्रिंसिपल जो है साइन कन्वेंशन उसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, अभी तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट ये फॉर्मूला कर दिया है आपके लिए विदाउट साइन कन्वेंशन। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। ओके, तो टॉपिक जो है अपना मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन f = 1 अपॉन u + 1 अपॉन v। इसमें जो f है, f जो होता है वो है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, देन यू, यू इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ओके, देन वी, वी इज अ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया आपको इस फॉर्मूले का थोड़ा डिस्क्रिप्शन। फॉर्मूला क्या होता है मिरर फॉर्मूला,
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। इसमें एफ जो है वो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की, यू तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर, देन वी इज अ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, सो वी आई एम सॉल्विंग इट फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, देन उस फॉर्मूले में आप व्हेन यू यूज दैट फॉर्मूला फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन यूज करना है। जब आप उसको कॉनकेव के लिए यूज करो तो कॉनकेव का साइन कन्वेंशन यूज कर लेना। तो दोनों ही केस में फॉर्मूला जो है ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम डेरिवेशन पार्ट करते हैं। नाउ फॉर द डेरिवेशन लेट्स ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगेन कॉनकेव मिरर बनाता हूँ मैं, तो ये कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ करा। ठीक है, देन इन दैट कॉनकेव मिरर लेट्स ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। ठीक है, नाउ आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस लेट्स टेक दिस एज अ पोल मिडिल पॉइंट, तो ये पोल हो गया। ठीक है, देन आफ्टर पोल लेट्स डिनोट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ लेट्स टेक दिस एज अ लेट्स डिनोट इट एज ए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर सी से जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इट इज अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी इमेज हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ऑब्जेक्ट, तो ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने ओ, सो ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना टर्म्स पर, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हमने रे डिनो रे बनाई, यहाँ से ये रे बनाई आपने, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। अब ये इंसिडेंट लाइट रे है, देन दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ये क्या होगा आपका इंसिडेंट एंगल हो। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। नाउ लो, या इसको इंसिडेंट एंगल को अपन डिनोट कर देते हैं, वन सेकेंड, इस इंसिडेंट एंगल को मैं डिनोट कर देता हूँ थीटा से। ठीक है, थीटा से डिनोट कर। नाउ दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, रिफ्लेक्ट होगी ये लाइट रे, और रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस लाइट रे को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ध्यान रखना थोड़ा सा कि भाई ये थीटा के बराबर ही हो अप्रोक्सीमेटली जब आप ड्रॉ करो, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर इसको कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो ये आपकी इमेज बन गई, यहाँ पर आई इमेज बन गई, और ये जो एंगल बना है आपका, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, है ना। एक पॉइंट और ले लेते हैं इसके अंदर अपन, और वो ले लेते हैं इसका फोकस। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ भी आ रही है अपने इसमें, तो फोकस लेते हैं, लेट्स टेक फोकस समवेयर हियर, कि यहाँ पर कहीं पे इसका फोकस है, तो ये एफ आ गया, एफ इसका फोकस हो जाए। ठीक है, एफ इज अ फोकस, तो एफ आपका फोकस हो जाएगा, है ना। नाउ लेट्स टेक दिस एंगल एज अल्फा, ये एंगल हमने ले लिया अल्फा है। ठीक है, लेट्स टेक दिस एंगल एज बीटा, ये एंगल मैंने बीटा ले लिया, ध्यान से देखते जाना। एंड लेट्स टेक दिस एंगल एज, अभी ऐसा करते हैं फोकस को डिनोट कर देंगे अपन थोड़ी देर। ठीक है, एंड लेट्स टेक दिस एंगल एज गामा, ये एंगल ले लिया गामा, ध्यान से समझना, है ना। पॉइंट सारे मार्क कर दिए हमने ऑलरेडी, सो दिस एंगल इज अल्फा, आई टेक दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, एंड दिस एंगल इज गामा। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ए, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस एक्सिस पे, इसको मार्क कर दो पी डैश। ठीक है, एक ए पॉइंट जो था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसको हमने मार्क कर दिया पी डैश से। ठीक है, अब आप देखना, देखते जाओ ध्यान से कि भाई इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल लिया हमने ए ए ओ सी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी में मुझे ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, आप क्लियरली बताओ, कोई बताएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, सिंपल सी बात है। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी में अगर मैं ये करूँ कि अल्फा प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा,
तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए पूरा सम। तो इस 180 से 180 तो कैंसिल आउट जाएगा, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा अल्फा प्लस थीटा, जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो आपके भाई इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल देखो आप सी ए ओ सी लिया था आपने, पहले ए ओ सी लिया था, अपन ले लेते हैं ए सी आई, इन ट्राइंगल ए सी आई, ठीक है। तो ए सी आई में ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल ये कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 180 माइनस गामा होगा, वेरी गुड हर्षित, करेक्ट। तो ये एंगल होगा आपका 180 माइनस गामा, तो 180 माइनस गामा होगा, तो देखो इसमें भी आप वही सम करो, तो इसको लिखोगे आप बीटा प्लस थीटा प्लस 180 माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से 180 डिग्री तो कैंसिल हो गया, तो बीटा प्लस थीटा जो हुआ आपका वो कितने के बराबर हो गया, गामा के बराबर हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट करना है मुझे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन टू जो है आपकी, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर रहा हूँ, ध्यान रखना इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन टू क्या है आपकी, बीटा प्लस थीटा और माइनस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। और ये साइड के टर्म ले लो तो ये आ जाएगा गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो माइनस थीटा प्लस थीटा है तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास आया बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको थोड़ा और अरेंज करूं मैं तो देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं कि गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टू बीटा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो रीजन अपन लिख रहे हैं इसमें कि एपरेचर ऑफ अ मिरर इज वेरी स्मॉल, ऑल्सो डिस्टेंसेज OP dash, CP dash, IP dash is large as compared to PP dash. Okay, so we can write. इसलिए अपन ये लिखते हैं, so we can write that OP dash is approximately equal to OP. Okay, then CP dash is approximately equal to CP and IP dash is approximately equal to IP. Okay. Also, I can write this by equation 3. Equation 3 में जो जैसे ये trigonometry का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अगर theta बहुत small होता है, theta is very small, ये थोड़ा सा मैं extra बता रहा हूँ आपको। If theta is very small, तो sin theta जो होता है ना, sin theta theta के बराबर हो जाता है, और जो cos theta होता है, cos theta 1 के बराबर हो जाता है। और यहाँ से अगर आप sin theta divide by tan theta करो, sin theta divide by tan, sin theta divide by cos theta अगर आप करते हो, देखना आप यहाँ से कि sin theta divide by cos theta अगर अपन करें, और ये दोनों ही small है, तो देखो sin theta तो theta के बराबर हो जाएगा और cos theta 1 के, तो यानी कि tan थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो अपने एंगल्स हैं वो क्या है, बहुत स्मॉल है और स्मॉल एंगल है, तो ये जो गामा जो एंगल है इसको मैं लिख सकता हूँ tan गामा, ठीक है, प्लस जो अल्फा है उसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा, और जो बीटा है उसको हम लिख सकते हैं tan बीटा। ये थोड़ा आप ध्यान रखना है, मैथ से है ये। अब देखो ट्राइंगल देखो, आप ये ट्राइंगल देखो, गामा वाला ट्राइंगल देखो, ये रहा गामा वाला ट्राइंगल, इसमें अगर अपन tan गामा लगाएं, ध्यान से देखना, tan गामा लगाएं तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, AP डैश, और बेस कितना है इसका, IP डैश, ठीक है। प्लस tan अल्फा देखो आप, ये रहा tan अल्फा, ट्राइंगल कौन सा लेना है आपको, अब ये बड़ा वाला AOP डैश, तो इसमें भी आपके इधर आ जाएगा ये AP डैश, ठीक है, और बेस कितना आएगा OP डैश, ये OP डैश आ गया is equal to twice of tan beta, ये रहा beta वाला, perpendicular क्या है आपका AP dash, ठीक है, और base क्या है इसमें beta वाले में CP dash, ये आ गया CP dash, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि इसमें ये AP dash तो cancel ही हो रहा है सब में, ये AP dash सब में cancel हो रहा है, तो इसको cancel कर दो, और 1 divide by
आईपी डैश, तो आईपी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आईपी डैश को आईपी लिख सकते हैं, तो इसको आपने आईपी लिख दिया, प्लस 1 डिवाइड बाय ओपी डैश, तो ओपी डैश को आप क्या लिख सकते हो, ओपी लिख सकते हो, ये ओपी लिख दिया आपने, इजिकल टू ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन सीपी डैश, तो सीपी डैश को क्या लिख दिया, सीपी लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस का वो है तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, तो आप इसमें देखो कि जो आपका आईपी है, आईपी क्या होगा, आईपी आईपी इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और पोल से आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आईपी देखो डिस्टेंस जो अपन कैसे लेंगे, पी से लेके आई तक लेंगे, और पी से लेके आई तक लोगे तो इमेज की जो डिस्टेंस है उसको वी से डिनोट करते हैं, और अपोजिट में जा रहे हो तो माइनस वी आएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो ओपी, तो ओपी में देखो आप पी से लेके ओ तक जाओगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये माइनस की आएगी, माइनस यू। ऐसे ही नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या टर्म आ रही है, सीपी, तो सीपी जो है सीपी भी आप पी से लेके सी तक जाओगे तो ये क्या आएगा, माइनस का आर आएगा। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो इसके अंदर, तो -1 अपॉन u -1 अपॉन v एंड इजिकल टू -2 बाय r आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस तो आप कॉमन लेके सब जगह से कट कर देना, ठीक है। और ये जो 2 बाय r है, इस 2 बाय r को आप क्या लिख सकते हो, 1 -1 डिवाइड बाय r बाय 2, ठीक है, r बाय 2। अब ये जो r बाय 2 है, जो r बाय 2 है, r बाय 2 क्या हो जाएगा, आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी, है ना। जो r बाय 2 है यहाँ पर, ये r बाय 2 तो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी, और माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन u + 1 अपॉन v = 1 अपॉन f, या 1 अपॉन f = 1 अपॉन u + 1 अपॉन v भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मिरर फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस मिरर फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, बट साइन कन्वेंशन आपको पुट करने पड़ेंगे तभी ये फिर प्रॉपरली अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना।